Hit the subscribe button and the bell icon for a daily update and notification. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी पेटल्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस, मैं इन दोनों का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर चेकआउट करें, और उसकी लिंक आपको मैं आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज़ एक बार इसका डिटेल रिव्यू ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आज मैं इनका वर्सेस बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करने के लिए, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों में से कौन सा मुझे पर्सनली बेटर लगता है, और वर्क के अकॉर्डिंग कौन सा पर्सनली ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये दोनों ही बायोटेक के फेस वॉशेज हैं। एक बायो पपाया है और एक बायो वाइट है। ये आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, फेस की डीप क्लीनिंग करता है। फेस को क्लीन करने के साथ साथ आपके फेस को एक्सफोलिएट भी करता है, जो मुझे बहुत पसंद है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए जाता है। ओके, सिमिलरली ये जो है वो क्या कहते हैं, आपके फेस को अच्छे से वॉश करता है, और ये आपके स्किन को फेयरनेस प्रोवाइड नहीं करता है। बस ये कह सकते हैं कि आप जब इससे वॉश करते हो तो आपकी स्किन को ब्राइट अप करता है। ओके, इसी ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं जाता है, ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट जाता है। दोनों की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है, तो प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करें आराम से। अदरवाइज आपने एकदम से खोला तो हो सकता है पूरा प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जाए, नीचे गिर जाए, किसी यूज़ का नहीं रहेगा। और दोनों ही दोनों 100% आयुर्वेदिक है, दोनों ही दोनों पैराबेन फ्री हैं। ओके, अगर हम इन दोनों की वेट की बात करें तो दोनों का वेट 50 ml है, और दोनों की सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स तक है, और दोनों की रेट में 5 rupees का डिफरेंस है। बायो पपाया 60 rupees का है, और जो बायो वाइट है वो 55 rupees का है, ठीक है। और दोनों का जो स्मेल है बहुत डिफरेंट है। इसमें से रॉ पपाया की स्मेल आती है, और इसमें से माइल्ड सोप जैसी स्मेल आती है, थोड़ी सी फ्रूटी मीठी मीठी स्मेल है, बट वो सोप जैसा फील होता है। ओके, अगर हम अब बात कर ले इन दोनों के वर्क की, तो दोनों ही आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, और आपकी स्किन को ब्राइट अप भी करते हैं, और डलनेस को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट इसका एक पॉइंट ये है कि आपके स्किन को फ्लॉलेस तो बनाता ही है, स्मूथ भी बनाता है, पिंपल्स को रिड्यूस भी करता है, और साथ साथ ही आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। दोनों का मैं डिटेल रिव्यू बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेटिंग है वो 3 थी, उसकी रेटिंग 5 में से 5 थी। तो डेफिनेटली गाइस, मेरे पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है वो बायो पपाया है। रेट में 5 rupees ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा खास, बट डेफिनेटली प्रोडक्ट वो चुनना चाहिए जो जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ये भी अच्छा है, बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और इसका वर्क फेस वॉश के साथ साथ स्क्रब का भी वर्क करता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और समर्स आ चुके हैं, ये आपके स्किन के ऑयल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर चलेगा, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए जाएगा, जबकि ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। को ये वर्सेस कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस।